प्रधानमंत्री ने कहा जनऔषधि केंद्र की दवाओं से लोगों ने बचाए 9,000 करोड़ रुपए, जन औषधि दिवस समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुए शामिल। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने त्रिवेणी संगम राजिम में किया संत समागम का शुभारंभ, 15 दिनों तक चलेगा राजिम माघी पुन्नी मेला। स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के नाम पर होगा बीरगांव का कॉलेज, मुख्यमंत्री ने दी 121 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। और रासायनिक रंग और गुलाल से बचाने के लिए बलरामपुर की महिलाएं बना रही हर्बल गुलाल, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रही कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं शीतला शुक्ला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जन औषधि केंद्रों की दवाओं का उपयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि इन केंद्रों के जरिए लोगों ने 9,000 करोड़ रुपए की बचत की है। प्रधानमंत्री ने जन औषधि दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि इस योजना से गरीबों को दवाओं की ज्यादा कीमतों से बड़ी राहत मिली है। इनके माध्यम से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को हर साल 3600 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे न सिर्फ लोगों को इलाज कराने में मदद मिली है, बल्कि इससे नौजवानों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हुए हैं। उन्होंने कहा कि देश भर में 1000 से अधिक जन औषधि केंद्र महिलाओं द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। मैं आपको और आपके सभी नौजवानों को बधाई देता हूं। जब मैं आपकी बातें सुन रहा था तो ये सिर्फ मुझे ही प्रभावित करती थी ऐसा नहीं, मुझे ही प्रेरित करती थी ऐसा नहीं, लेकिन ये बातें आज दूरदर्शन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देश के जितने युवा सुन रहे हैं उन सबको आप प्रेरित कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं, क्योंकि आपने कोरोना के संकट में अपने पिताजी को खोया, लेकिन उसमें से आपने समाज के लिए कुछ करने का संकल्प लिया और आपने धीरे धीरे 200-250 साथी बना लिए और घर घर आज भी आप जन औषधि पहुंचा रहे हैं। आप हर परिवार का कितना पैसा बचा रहे हैं और दवाई सस्ती मिलने के कारण वो दवाई के पीछे जरूरी जो भी खर्च करना पड़े वो करता भी है, तो कईयों की जिंदगी बचा रहे हैं, तो सचमुच में आप बहुत उत्तम काम कर रहे हैं। इधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में भी जन औषधि केंद्र स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने किया। शुभारंभ के बाद सुश्री पांडे ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के हर हिस्से में दवाइयां पहुंचाने के लिए एक मजबूत व्यवस्था की है। ये योजना रोजगार और आय का भी एक विकल्प माना जा रहा है। जन औषधि केंद्र से जो लोगों को आर्थिक तौर पर, जो अपनी शारीरिक तकलीफ को दवाइयों से कम नहीं कर पाते थे, देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको ये अवसर दिया है जन औषधि केंद्र में। और इसके साथ ही साथ ये रोजगार का भी एक बड़ा साधन है, जहां पर 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है और 2 लाख रुपए अगर महिला है, विकलांग है, तो उनके लिए अलग से भी ये व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय है कि 2014 तक देश में 100 से भी कम जन औषधि केंद्र थे, जबकि वर्तमान में इनकी संख्या बढ़कर 7,500 हो गई है। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने त्रिवेणी संगम राजिम के पुण्य तट पर 15 दिनों तक चलने वाले माघी पुन्नी मेला में संत समागम का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ की पवित्र नगरी राजिम में आयोजित माघी पुन्नी मेला में आकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। धर्म, आस्था और संस्कृति के संगम राजिम माघी पुन्नी मेले में देश भर से आए साधु संतों श्रद्धालुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं। उन्होंने कहा कि राजिम में महानदी, पैरी और सोढूर नदियों का संगम है, जो प्राचीन परंपराओं से जोड़े रखते हैं और नई पीढ़ी को इसका ज्ञान भी कराते हैं। उन्होंने कहा कि राजिम माघी पुन्नी जैसे आयोजन पर्यटकों को अद्भुत अनुभव देने और आकर्षित करने में सक्षम है।
पर्यटन की दृष्टि से ये देश के एक अच्छे केंद्र के रूप में उभर सकता है। नई पीढ़ी के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगी कि वो अपनी संस्कृति, अपनी आध्यात्मिक और इस तरह के आचार विचार और संस्कार, ये सारी चीजें इससे मिलती है। और जिस भी व्यक्ति में इस तरह के संस्कार आ जाए तो वो समाज और देश के लिए बहुत आगे कार्य करता है और उसका जीवन भी आगे बहुत उज्जवल होता है, क्योंकि यही विचार हमारी। और जो व्यक्ति इससे आध्यात्मिक रूप से जुड़ता है, कोई भी व्यक्ति, वो कभी जीवन में दुखी नहीं होता और हमेशा अच्छे कार्य समाज के लिए, राष्ट्र के लिए करता है। कार्यक्रम में मौजूद धर्मस्व एवं जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि हम मेले को लगातार अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने स्थानीयता को ही ध्यान में रखते हुए मेले का स्वरूप बदला है। हमने श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा है। कार्यक्रम में विधायक धनेन्द्र साहू, अमितेश शुक्ल, संत श्री विचार साहेब एवं सिद्धेश्वरानंद जी महाराज विशेष रूप से मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बीरगांव में आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र की जनता को 121 करोड़ रुपए की लागत कार्यों की सौगातें दी। वहीं उन्होंने क्षेत्रीय विधायक सत्यनारायण शर्मा के आग्रह पर जिला सहकारी बैंक की शाखा खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बीरगांव कॉलेज का नाम स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के नाम से किए जाने तथा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार लगातार गांव, गरीब, किसान तथा जरूरतमंदों के हितों की रक्षा के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि लगातार दूसरी बार हमें सबसे स्वच्छ प्रदेश का पुरस्कार मिला है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता दीदियों का मानदेय 5,000 रुपयों से बढ़ाकर 6,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह नगर निगम बीरगांव के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत 8,000 से अधिक व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। कार्यक्रम में मौजूद कृषि मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी वर्गों के विकास में उल्लेखनीय कार्य कर रही है। कार्यक्रम में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 148 हितग्राहियों को पट्टा वितरण तथा 53 लोगों को ई रिक्शा का वितरण किया गया। कार्यक्रम में विधायक सत्यनारायण शर्मा, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी, पंकज शर्मा तथा अन्य अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 82वें वर्षगांठ के अवसर पर जगदलपुर के लालबाग मैदान में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हथियारों एवं विशेष उपकरणों का प्रदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हथियार ड्रिल तथा समूह पीटी के साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा राष्ट्र सेवा के लिए दिए गए बलिदान एवं कार्यों के संबंध में वृत्त चित्र का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जगदलपुर रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक राजीव रॉय द्वारा छत्तीसगढ़ सेक्टर सीआरपीएफ के पुलिस महानिरीक्षक प्रकाश डी के मार्गदर्शन में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बस्तर आईजी पी सुंदरराज तथा पुलिस अधीक्षक दीपक झा रहे। कार्यक्रम में फरसगांव के शहीद शिवलाल नेताम के परिजनों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पुलिस तथा प्रशासन के अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक शामिल हुए। रासायनिक रंग गुलाल से बचाने के लिए बलरामपुर जिले में महिला समूह द्वारा हर्बल गुलाल तैयार किया जा रहा है। जिला मुख्यालय के जाबर कृषि केंद्र में जिले के 13 गांव की महिलाओं को हर्बल गुलाल बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर तो बन रही हैं, साथ ही लोगों को रासायनिक रंग गुलाल से भी बचा रही हैं।
समूह की महिलाओं ने बताया कि रोजगार नहीं होने के बाद जब उन्हें हर्बल गुलाल बनाने की योजना का पता चला तब वे इससे जुड़ने लगी और आज एक एक कर 13 गांव की महिलाएं इस काम में लगी हुई हैं। कृषि वैज्ञानिक केंद्र बलरामपुर से प्रशिक्षण मिला और हम लोग हर्बल गुलाब बनाने के लिए सीखे। अभी हम लोग जो हमारी गरीबी है, जो हमारी समस्या है सर, उसके लिए हम जो बना करके बेच रहे हैं और उसे हम लोगों के लिए आर्थिक सहायता मिलेगी। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर गौतम ने बताया कि रसायन युक्त रंग गुलाल हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, इसलिए महिलाओं को हर्बल गुलाल बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। महिलाओं द्वारा पालक, चुकंदर, सिंदूर तथा अन्य चीजों से अलग अलग प्रकार का गुलाल तैयार किया गया है। सभी लोग कलर खेलते हैं, गुलाल लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक ये पहल की है। इस पहल पर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस हमारे पूरे समाज पर है। इन जितने भी होली के समय जो कलर खेले जाते हैं, मैक्सिमम कलर जो है केमिकल से बनते हैं, वो हमारी त्वचा को और हमारे शरीर को किसी न किसी माध्यम से नुकसान पहुँचाते हैं। जिला पंचायत सीईओ तुलिका प्रजापति ने बताया कि हर्बल गुलाल बनाकर महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, साथ ही वे आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। हर्बल गुलाल किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि अभी होली का भी समय आ रहा है और गुलाल की डिमांड भी होती है, तो उसको देखते हुए उन्होंने इस चीज का प्रशिक्षण लिया है और अच्छा उन्होंने उत्पाद तैयार किया है। पूरा हर्बल है, फूड मटेरियल के ही रंगों से तैयार किया गया गुलाल है, जिससे कि कोई केमिकल को यूज़ नहीं किया गया है और उससे स्किन में या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से बहुत अच्छा और हर्बल उन्होंने तैयार किया। बताया गया है कि बलरामपुर की ये महिलाएं अब अपने उत्पाद की बिक्री राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के अन्य बड़े जिलों में भी करने की तैयारी में हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना ग्रामीणों की रोजगार संबंधित दिक्कतों को दूर करने में सहायक साबित हो रही है। लॉकडाउन के दौरान इससे हजारों लोग लाभान्वित हुए थे, वर्तमान में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। दुर्ग जिले के अंतर्गत पाटन विकास खंड के गांवों में मनरेगा के तहत तालाबों का निर्माण, गहरीकरण, गौठान निर्माण व नाला निर्माण सहित अनेकों कार्य शुरू किए गए हैं, जिससे ग्रामीणों को बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मनरेगा में मिल रहे कामों से अब उनकी आर्थिक परेशानियां दूर हो गई हैं। आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी नहीं थी, हाल कमाना और हाल खाना है। मैं जब भी मनरेगा का पैसा मिलता है मेरे बच्चों का पढ़ाई में और खेत किसानी में लगाती हूँ, क्योंकि हमारे गांव में खेत किसानी के अलावा कुछ नहीं है। हम लोग मनरेगा का काम शुरू होने का इंतजार करते रहते हैं। हम पंचायत में जाके अपने सरपंच मेट मुंशियों से सब बोलते हैं कि काम दिलाओ काम दिलाओ, तो ये लोग ऊपर ले जाते हैं पाटन तक, फिर हम लोगों के लिए काम देते हैं। काम करने से बहुत फ़ायदा है। पहली तो घर बैठे रहे हैं, जब से रोजगार गारंटी चला थे तो मेहनत करा था ना, बहुत फ़ायदा मिला था मल्ला। वो पैसा से हमन अपन लोग लैका पढ़ाथन, खेती किसानी करथन, अब एक मुश्त पैसा भी मिल जाते हमन ला। दुर्ग जिले के डिप्टी कलेक्टर व पाटन जनपद पंचायत के सीईओ मनीष साहू ने बताया कि जिले में मनरेगा के तहत अब तक ग्रामीणों से 45 लाख मानव दिवस का काम लिया जा चुका है। मनरेगा का मुख्य उद्देश्य तो रोजगार देना है, लेकिन हम रोजगार के माध्यम से भी चाहते हैं कि ऐसी परिसंपत्ति निर्माण हो जाए जिससे गांव को लाभ हो। जैसे कि यहाँ सेलूद में अभी तालाब निर्माण किया जा रहा है, तो इसमें पानी यदि स्टोरेज होता है बारिश के दिनों में तो वाटर लेवल बढ़ेगा और यहाँ के लोगों को, किसानों को फायदा होगा। मनरेगा की राशि बढ़ाए जाने से भी ग्रामीणों में अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीणों को प्रतिदिन 190 रुपए के हिसाब से रोजी दी जा रही थी, जबकि पहले 167 रुपए प्रतिदिन ही दिए जाते थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, जन औषधि केंद्र की दवाओं से लोगों ने बचाए 9,000 करोड़ रुपए, जन औषधि दिवस समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुए शामिल। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने त्रिवेणी संगम राजिम में किया संत समागम का शुभारंभ, 15 दिनों तक चलेगा राजिम माघी पुन्नी मेला।
स्वर्गीय नंद कुमार पटेल के नाम पर होगा बिरगांव का कॉलेज। मुख्यमंत्री ने दी 121 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात। और रासायनिक रंग और गुलाल से बचाने के लिए बलरामपुर की महिलाएं बना रही हर्बल गुलाल, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा रही कदम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।